प्रतिष्ठा संकल्प पदयात्रा के आठवें दिन पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज पलवल जिले के पंचारी से आगे निकल चुके हैं। पदयात्रा का ये आठवां दिन लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा आज हुई है। आप देख सकते हैं नंगे पांव पूज्य महाराज श्री निकल चुके हैं।
देश का परम मंगलायन। मंगल का है परम निधान, गौ माता अब राष्ट्र माता हो, जग गुरु करते आहान। गौ माता अब राष्ट्र माता हो, राम राज आधार ही गौ है, यही सब शास्त्र बताते हो। शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह आशीर्वचन, अपना संदेश हमको प्रदान करने की कृपा करें। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, नमः पार्वती बताए हर हर महादेव। पहले तो इस गांव से हमारा एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि यहाँ का एक बच्चा हमारे मठ परिवार का सीधे सीधे सदस्य है। दूसरे आशा माता के प्रांगण में उनकी गोद में लाके आप लोगों ने बैठाया है, तो जहां आशाएं पूरी होती हों वो स्थान भी किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे लिए यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि एक ही आशा इस समय मन में है, गौ माता के प्रति जो अत्याचार हो रहा है अब उसका अंत होना चाहिए। बंधुओं, अभी चौधरी जी ने हमको ये कुछ जो पंचायतें आपकी हुई हैं, सर्वपाल पंचायतें, उनका प्रस्ताव जब जब हुआ था उसको हमको दिया है। एक पंचायत संबत 1980 माने ईस्वी सन में 1924 में हुई थी, और उस पंचायत में कुल 6 नियम पास किए गए थे, जिनमें से पहला ही नियम माने कितना महत्वपूर्ण होगा इस समाज के लिए, 52 पंचायतों के लिए गौ माता की रक्षा का प्रश्न, कि पहला ही नियम उन्होंने बनाया है और लिखा है, पहला नियम गौ रक्षा। हिंदू जाति को किसी मुसलमान दीन को गौधन बेचने का अधिकार ना होगा, चाहे बैल हो या गाय हो या बछड़ा हो, और बधिया कराने की खुशी है तो चाहे कोई करावे या ना करावे। माने अगर बछड़े को बैल बनाना है तो उसमें स्वतंत्रता है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहे तो उसको सांड के रूप में छोड़ दें और चाहे तो उसको बैल बना ले। लेकिन मुसलमान दीन के व्यक्ति को गाय देना नहीं है, ये प्रस्ताव उस समय कर दिया गया। और इसी तरह से बाद में 1974 में अथवा अभी 2014 में जो सर्वपाल पंचायत हुई है उसमें भी गौ रक्षा के बारे में इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए गए। इससे ये पता चलता है कि गाय की रक्षा के बारे में ये जो 52 पाल पंचायतें हैं ये बहुत ही संवेदनशील हैं, और किसी दशा में गौ हत्या नहीं होने देना चाहती, किसी भी दशा में। आप देखिए, कहीं गौ हत्या होती हो उसको रोकने के लिए अगर कोई प्रस्ताव पारित करे तो ठीक समझ में आता है, लेकिन यहाँ गौ हत्या की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मुसलमान दीन के आदमी को ही गाय नहीं बेचना है। क्यों? क्योंकि कहीं वो ले जाकर के काट न दे, ये संभावना है। जरूरी नहीं है कि मुसलमान दीन का आदमी ले जाए तो वो दूध के लिए गाय न रखे, काट ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जाएगी तो हो सकता है कि काट दे, संभावना है। इसलिए संभावना को ही समाप्त कर देने के बारे में इन
पंचायत के हमारे चौधरी लोगों ने ये निर्णय किया है। इसका मतलब है कि गाय की हत्या तो रोकना ही है, लेकिन गाय की हत्या को रोकने के लिए गाय की हत्या की संभावना जहां हो उस संभावना को भी रोक देना है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए ये प्रस्ताव बताता है कि हमको गौ हत्या की संभावना को भी समाप्त करना चाहिए। अब संभावना कहाँ है? उस समय तो मुसलमान दीन के हाथ में बेचने पर संभावना थी। आज आज संभावना यह है कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वो जाकर के संसद में बैठेंगे और गौ हत्या हो रही है उसके विरोध में कानून नहीं बनाएंगे। इसका मतलब गौ हत्या को बढ़ावा होगा। वो वहां बैठ करके कत्ल खाने को लाइसेंस देंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा होगा। वो वहां बैठ करके गाय को काटने वाली मशीन पर सब्सिडी देंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा होगा। वो वहां पर बैठ करके जो ट्रक में भर करके गाय जाती हैं उनको छोड़ने के लिए पुलिस को हुक्म कर देंगे हफ्ता बांध दो जाने दो तो इससे गौ हत्या को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब कि आज सारी संभावना, उस समय 100 साल पहले मुसलमान दीन में संभावना थी, आज संभावना बदल गई है। आज संभावना है कि अगर हमने गलत आदमी को वोट दिया तो वो हमारा वोट लेकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे देगा। इसलिए आज के दिन अगर गौ रक्षा के लिए इस तरह का प्रस्ताव पारित करना हो तो एक ही तरीका है कि हम सोच समझ करके अपना वोट उसी व्यक्ति को दें जो पूरी तरह से किसी हालत में गौ हत्या का समर्थन करने के लिए तैयार ना हो। तो हमारा यही कहना है कि अब आपके पास वोट के लिए लोग आने वाले हैं, अमुक पार्टी के आएंगे, अमुक पार्टी के आएंगे, कौन सी पार्टी को आप वोट दो ये हम नहीं कहना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। हर पार्टी अपने अपने ढंग से अपना काम करती है। आपको जिस पार्टी को देना हो आप उसको दीजिए, लेकिन जब वोट मांगने के लिए व्यक्ति आए चाहे किसी पार्टी के हो तो उनसे शपथ पत्र भरवा लीजिए। इस शपथ पूर्वक बोलो कि अगर हमने तुमको वोट दिया तो हमारे वोट से जीतने के बाद तुम पहला काम जा करके संसद में गौ हत्या बंदी का करवाओगे। अगर ये करते हो तो हम तुमको वोट दें, और नहीं तो भैया हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि गौ हत्या का पाप हम नहीं लेने वाले। इतना आपको बड़ी दृढ़ता के साथ कहना पड़ेगा, नहीं तो वोट देने से गौ हत्या का पाप आपके ऊपर लग जाएगा। हम क्यों आपके बीच में चल रहे हैं? क्योंकि हमारा ये दायित्व तो है एक धर्माचार्य के रूप में कि हमारे जितने अनुयायी हैं उनके माथे पर हम पाप ना चढ़ने दें। राम आ गए और बड़ा हम लोगों ने उसका दिवाली जैसा उत्सव मना लिया। अब राम के आने के बाद पहला काम ये होना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए, ताकि हम लोग भी कोई कुछ कहे तो कह सके कि देखो राम आए तो गौ हत्या बंद हो गई। अब कृष्ण को लाना है तो भाई कई लोग कह रहे हैं राम जी के आने का कोई फायदा तो बताओ, राम जी के आने का फायदा बता दो तो हम कृष्ण जी को भी लाने को तैयार हैं। राम जी के अगर आने का कोई फायदा नहीं है, केवल चढ़ोतरी हो जाएगी, केवल एक पार्टी का गुणगान हो जाएगा, अगर इतना ही उस फायदा होना है तो भाई वो अलग बात। लेकिन अगर राम जी के आने से गौ हत्या बंद हो जाती है तो हम कृष्ण जी को ले आएंगे कि हमारी उधारी चुकता हो जाए। भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो जैसे पाप हमारे सिर पे चढ़ता है ना, वैसे उधारी हमारे सिर पे चढ़ने लगती है। तो इस समय हमारे सिर पे उधारी चढ़ी हुई है। हर आदमी कर्जे में दबा हुआ है, सिर झुका हुआ है, देश में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर भगवान ने हम लोगों को सामर्थ्य दिया तो हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो गई तो देख लेना भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे और भारत फिर से कर्ज मुक्त होगा। इसलिए फिर से एक बार खड़े होने की जरूरत है
किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये धर्म हमारा है, ये सभ्यता हमारी है। और आगे आओ भाई, दोनों मूछ वाले लोग, ये देखो गौरक्षक कुछ आए हैं, इनकी मूछों ने हमको बड़ा प्रभावित किया है। ऊपर चढ़ो, सब लोग देख सके। खड़े हो जाओ, इधर इधर की तरफ चेहरा करो। ये देखिए, ये हमारा गौरव रहा है। पहले हम अपनी मूछों पे ताव देते थे, अब वो मूछों पे ताव किसके सामने दें? अब वो हमारी हालत नहीं रही, इसीलिए हमने मूछें छोटी करवा दी या तो फिर छील ही दिया, कटाई दी। लेकिन अभी प्रजाति मरी नहीं है, अभी हमारे पूर्वजों की प्रजाति जीवित है, अभी हमारी मूछों पे ताव है, किसी से हम डरते नहीं है। और इन्हीं मूछों के ताव पर बल देते हुए हम कह रहे हैं कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे, करेंगे, करेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। सरकार के स्तर पर होगा, इसीलिए
केंद्रीय जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जो लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, पहले उनसे शपथ पत्र मांगो कि पहले हमको शपथ पत्र दीजिए कि आप अगर संसद में हमारे वोट के द्वारा चुन करके जाएंगे तो पहला काम यही करेंगे, पहली आवाज़ यही उठाएंगे कि गौ हत्या नहीं होगी। अगर ये आप करने को तैयार हैं तब तो हम आपको वोट देने के लिए विचार करें, अन्यथा क्षमा करिए। ये हिम्मत जुटा लो मतदाताओं, अगर तुमने ये हिम्मत जुटा ली तो फिर गौ हत्या बंद होगी और उसका जो पाप तुम्हारे सिर चढ़ रहा है, जिसके कारण तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ रहा है, वो सब सुधर जाएगा। डेढ़ सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधि है तो उसको उस देश के लोग उतने ही लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं। अकेला ही वो 150 करोड़ के बराबर होता है। ऐसे ही क्या शंकराचार्य 100 करोड़ हिंदुओं के बराबर नहीं है? और अगर वो चल रहा है तो क्या 100 करोड़ हिंदू नहीं चल रहे हैं? सबको चलने की जरूरत है। केंद्र सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वो 100 करोड़ हिंदुओं को रास्ते पर चलता देखना चाहती है, और अगर देखना चाहती है तो उसको आगे आकर के साफ करना पड़ेगा। और अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि 100 करोड़ हिंदुओं को हम देखना चाहते हैं तो वो भी चला के दिखा दिया जाए, जरूरत नहीं। अभी तो हम उन सब की ओर से स्वयं चल रहे हैं और चल करके ये बता रहे हैं कि बहुत गंभीर मामला है, बहुत गहराई से इस पर चिंतन करने की और निर्णय समय अनुसार ले लेने की आवश्यकता है। आप लोग गफलत में मत रहिए, कहीं आपसे चूक ना हो जाए, आपकी राजनीति कहीं बिगड़ ना जाए। ये हम उनको एक संदेश दे रहे हैं। अगर इस संदेश को ठीक ठीक से पकड़ लेंगे तो इस बारे में समय अनुसार निर्णय होगा, और अगर नहीं पकड़ेंगे तो अभी तो हम थोड़ी थोड़ी बानगी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि करोड़ों करोड़ लोग सड़क पर निकल पड़ेंगे। गौ माता के प्रति भावना किसी भी हिंदू में कूट कूट करके भरी होती है। गौ को माता माता ही नहीं, उसको सर्वस्व मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में संख्या ना देखी जाए, बात की गहराई को देखा जाए। अगर आपको संख्या देखने का की इच्छा है, आप एक पत्र जारी कर दीजिए, मत आइए हमारे पास। अगर आपको हमारे पास आने में, बात करने में छोटापन महसूस हो रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्र जारी कर दीजिए। आजकल तो वक्तव्य जारी हो जाता है, अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर दीजिए कि अगर इतने लोगों को खड़ा कर दिए दें तब हम माने। आप जो संख्या बताएंगे उसे एक ज़्यादा गिन करके खड़ा, और जितनी समयावधि में कहेंगे उतनी समयावधि में भी खड़ा कर देंगे। तो अगर वैसा देख करके निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है तो वो बताइए, और नहीं तो गंभीरता पूर्वक निर्णय करिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दमोह से एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम बद्री है, अभी तो इतना ही हम जानते हैं। आज उन्होंने रास्ते में 3 पत्थर पड़े थे बड़े बड़े, और वो लेट गए। हम समझे ये क्या हो रहा है, तब तक उनके साथ का लड़का बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर के आया, और हम कुछ समझ पाते तब तक तो 3 पत्थर उनके छाती पे रख दिए गए, और उस लड़के ने हथौड़े चला दिए और 3ों पत्थर चकनाचूर हो गए, और ये जैसे के तैसे। जी आए
अनबैलेंस मत करना, बाकी थोड़ा 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 पीछे रुको ना यार। तो हमने इनसे पूछा कि ये क्या किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने ये दिखाया कि मेरा इरादा फौलादी है। पत्थर से हम टकराएं या हमसे पत्थर टकराए, टूटेगा पत्थर, हम नहीं टूटेंगे। ये कह रहे थे कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने, विधर्मी ने, इनके बाल पकड़ करके इनको घसीटा और बहुत दूर तक घसीट करके लेके चला गया। उसी दिन इन्होंने संकल्प किया कि इन्हीं बालों से गौ माता का रथ खींच करके दिल्ली तक ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, अपने जिले दमोह से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए भी रथ खींच करके ये लेकर के गए थे, इसी अपने बालों के। हम लोग गोवर्धन जी की 2 दिन परिक्रमा किए तब, और तब से लेके अभी तक 8 दिन हो गए। 8 दिन से इन्होंने गांठ अभी तक खोली नहीं है, और इसी से पूरा रथ खींच करके लेके चले आए। ऐसे कोई कम हौसले नहीं है हम लोग। और इस बात से ये भी पता चलता है कि बाल जैसी चीज जो बहुत पतली है, बहुत छोटी है, बहुत नाजुक है, अगर वो भी इकट्ठी हो जाए तो बड़ी बड़ी चीजों को खींच करके एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है, उसका स्थान परिवर्तन करा सकती है। तो ये जैसे बालों को इन्होंने पूंजीभूत करके उनकी शक्ति को दिखा दिया है, ऐसे ही ये आंदोलन हिंदुओं को पूंजीभूत करके हिंदुओं की शक्ति को प्रकट करेगा। राम लिखा, रहमान लिखा, गीता लिखा, कुरान लिखा, राम लिखा, रहमान लिखा, गीता लिखा, कुरान लिखा, जब तो शब्द लिखने का आया तो मैंने गौ माता का नाम लिखा। ये पंक्तियां मैं माँ को अर्पित करता हूँ, गुरुजी आपकी चरणों में मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत बड़े चैनल के एक व्यक्ति ने हमको बताया टेलीफोन करके कि महाराज जी, हम आपकी यात्रा देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि इसको कवर नहीं करना, तो इसीलिए बहुत मन दुखी है। ऐसा कह के उन्होंने हमको टेलीफोन किया। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, चैनल दिखाए इसके लिए तो हम चल नहीं रहे, और हमारा जो चैनल है, माने हम जिसको दिखाना चाहते हैं, उनकी तो हजार आँखें हैं और वो हर एंगल से हम लोगों को देख रहे हैं। जिधर से हम चलते हैं, हमारा हरि हमको देख रहा है कि हम शुद्ध भावना से और शुद्ध उद्देश्य लेकर के इस यात्रा को कर रहे हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैनल दिखाए चाहे ना दिखाए, वो उनका प्रयोजन है, उनको अपना चैनल चलाने के लिए दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर देश में शंकराचार्य चल रहा हो और वो आपके लिए खबर ना हो तो ठीक है, अगर आपको रोका गया है, हमें कोई उसमें शिकायत नहीं है। अभी 1008.गुरु जो पेज है, ये आपके और हमारे बीच में संवाद का माध्यम बनेगा। बाकी कोई मीडिया आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं। नारायण।